नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एग्री साइड किक चैनल में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कंजर्वेशन एग्रीकल्चर पर। ये कंजर्वेशन एग्रीकल्चर चल तो बहुत दिनों से रहा है, लेकिन ये क्या है कि ये टॉपिकों में अब आने यानी एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन आने लगे हैं कि इससे कंजर्वेशन एग्रीकल्चर से क्या फायदा है, क्यों अपनाना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे इंडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड्स एंड अदर पेस्टिसाइड वगैरह यूज करते हैं, और उसकी वजह से जो कंटेमिनेट हो रहा है, तो उसी की वजह से ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं या कंजर्वेशन एग्रीकल्चर अपना रहे हैं। तो उसके लिए चर्चा करते हैं अपन कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के मेन है ना, वो बता दूंगा मैं आपको, तो वो आप इसमें देख भी रहे हैं स्क्रीन पे। तो बस वो ये सबसे मेन देखिए यहां से शुरू होता है। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, ये फर्स्ट टॉपिक। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर इज बेस्ड ऑन थ्री मेन प्रिंसिपल अडेप्टेड फॉर रिफ्लेक्ट लोकल कंडीशन एंड नीड्स। ये तीन मेन पिलर हैं इसके, ये तीन चीज पे डिपेंड करता है। ये अगर जो सही तरीके से अपनाते हैं और उस रूल को फॉलो करते हैं तो ये कंजर्वेशन एग्रीकल्चर कहलाएगा। उसके लिए क्या है, मिनिमम मैकेनिकल सोइल डिस्टर्बेंस यानी कि नो टिलेज करना, या मिनिमम टिलेज करना या जीरो टिलेज करना, ठीक है। मिनिमम जीरो और नो, ये दोनों कंडीशन इसी में आती है। और उसके लिए अपन रोटोवेटर काम में नहीं लेते हैं, क्योंकि रोटोवेटर तो पूरा डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। तो इसके लिए थ्रो डायरेक्ट सीड और फर्टिलाइजर प्लेसमेंट इन दिस रिड्यूस सोइल इरेजन एंड प्रिजर्व सोइल ऑर्गेनिक मैटर। इसका कहने का मतलब है कि जब भी ये फर्स्ट इसका पिलर है या फर्स्ट इसका प्रिंसिपल है, वो कहता है कि सोइल को कम से कम डिस्टर्ब करना है। अब सोइल को कम से कम डिस्टर्ब करने के लिए क्या है कि जैसे अपन जुताई करते रहते हैं बार बार, उसकी वजह से क्या है भारी मशीनें आने लग गई और सोइल कॉम्पैक्ट भी होने लग गई। उसके साथ साथ जुताई तो करते हैं लेकिन कॉम्पैक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से एक लेयर डेवलप हो जाती है और वो पानी नीचे इन्फिल्ट्रेट नहीं हो पाता है। तो उसके लिए अपन क्या करना है, कम से कम जुताई करनी है, और कम से कम जुताई जितनी कम हो सके उसमें ही सीड सोइंग करना है और फर्टिलाइजर अप्लाइड करना है, प्लेसमेंट करना है उसका, जिससे कि सोइल सोइल का क्षरण कम हो यानी कि इरेजन कम हो, और प्रिजर और सोइल ऑर्गेनिक SOM यानी कि सोइल ऑर्गेनिक मैटर है वो उसमें बना रहे। दूसरा इसका प्रिंसिपल है परमानेंट सोइल ऑर्गेनिक कवर, यानी कि सोइल को कवर करके रखना है। अब जुताई अपन या टीलेज क्यों करते हैं, क्योंकि वीड से बचाने के लिए करते हैं और थोड़ा सा अच्छी मिट्टी या पौध के लिए बढ़िया इन्वायरमेंट प्राप्त हो जाए उसके लिए करते हैं कि कंडीशन सही रहे। लेकिन अब उसको बनाने के लिए दूसरा परमानेंट सोइल कवर, परमानेंट सोइल कवर कर देंगे तो इसकी वजह से वीड नहीं होंगे, और वीड नहीं होंगे तो एक ये जुताई भी अपन को नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कम से कम यानी कि एटलीस्ट 30% विद जो क्रॉप उगाई गई है या दूसरी क्रॉप के रेजिड्यू मटेरियल होते हैं उसको बिछावन के रूप में पूरे फील्ड पे डाल देते हैं, और ये एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है जिसकी वजह से वीड्स वगैरह नहीं उगते हैं। और भी जो जैसे इन्वायरमेंट, जैसे कि रेन होती है, ज़्यादा हैवी रेन होती है तो इसकी वजह से सोइल इरेजन होता है, वो नहीं होता है, और ये मॉइस्चर को बनाए रखती है, मॉइस्चर को बनाए रखती है। और इसके अलावा कॉम्पैक्शन होता है ना, वो नहीं हो पाता, क्योंकि अपन कोई भी ऑर्गेनिक कार्बन या रेजिड्यू डालते हैं तो उससे मिट्टी बनी रहती है बढ़िया तरीके से, टेम्परेचर बना रहता है, जीव जंतु बने रहते हैं उसमें। तो इसलिए परमानेंट सोइल कवर, ये दूसरा प्रिंसिपल है इसका। और तीसरा प्रिंसिपल है इसका क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि स्पीसी डाइवर्सिफिकेशन। तो इसमें क्या होता है कि जैसे क्रॉप अपन एक ही क्रॉप लेते रहते हैं, गेहूं ले रहे हैं या वीट, राइस वीट सिस्टम में लेते हैं, यानी कि पहले राइस ले लेते हैं फिर वीट ले लेते हैं फिर राइस ले लेते हैं फिर वीट ले लेते हैं, एक ही कंडीशन चलती रहती है। तो उसकी वजह से होता क्या है कि एक एक क्रॉप को लगाने से जो उनके वीट होते हैं उनको बढ़िया इन्वायरमेंट मिलता है, और उनको उस क्रॉप में रहते हैं वो, और वो बने रहते हैं, और फिर वो आगे जाके वीट इतने हो जाते हैं कि उनको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है उस एरिया। तो इसके लिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यूज में लेते हैं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बोल सकते हैं अपन। उसके लिए सीधा सा सिंपल ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन है यानी कि मतलब कि अलग अलग
विविधता होनी चाहिए उसमें, एक तरीके से डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्स उसका नेचर होना चाहिए, यानी कि उसमें दलहन भी, तिलहन भी और सीरियल्स भी और चारा वाली फसलें, इनका रोटेशन होना जरूरी है। और किस तरीके से इसमें सीक्वेंस रहना चाहिए डिफरेंट क्रॉप का, और इस तरीके से डिजाइन करनी चाहिए कि उसमें सोइल की स्ट्रक्चर है वो बनी रहे, उसमें जो फ्लोरा फौना है वो बना रहे, और जो न्यूट्रिएंट की साइकिल है वो बनी रहे। क्या कि कई क्रॉप ऐसी होती है जिनकी रूट है वो 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर लेयर में होती है, लेकिन कुछ की ऐसी होती है जो नीचे तक जाती है, तो उनको गैप में लेना चाहिए। कुछ क्रॉप अगर जो अपन लगातार लेंगे, जैसे वीट और राइस को लेंगे, तो ऊपर ऊपर के न्यूट्रिएंट लेगी, लेकिन जो सोइल है उसमें नीचे के न्यूट्रिएंट नहीं ले पाएगी, तो उसकी वजह से अपन कॉटन लगा सकते हैं। कॉटन की रूट बहुत नीचे तक जाती है, या रूट की कुछ क्रॉप होती है उनको लगा सकते हैं जो नीचे से न्यूट्रिएंट ले लेगी, तो उसमें थोड़ा डिफरेंट होता रहेगा, यानी कि नीचे के न्यूट्रिएंट भी आते रहेंगे और ऊपर के भी आते रहेंगे। तो इस तरीके से ये तीन मेन पिलर हैं कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के। अभी इनके क्वेश्चन भी कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के मैं डालने वाला हूँ, 20 क्वेश्चन होंगे, उसको भी आप देखें अगले वीडियो में।